हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो प्री मेडिकल एग्जाम्स के लिए 100% एड्स फ्री वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मकसद क्या है एड्स फ्री वीडियोस का, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बीच में टूट जाता है। अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है और बीच में कोई अगर एड्स आ जाता है, क्योंकि अगर एक घंटे का कोई वीडियो होता है तो उसमें मिनिमम 6 एड तो आते हैं। तो मैंने एडसेंस अकाउंट नहीं बना रखा है। कोई भी मेरे वीडियोस में, आप पिछले पास्ट के सारे वीडियोस उठाकर देख लो या आगे आने वाले फ्यूचर में जितने भी वीडियोस होंगे, किसी में आप एडवर्टीजमेंट नहीं देखोगे। तो आप डायरेक्ट फुल कंसंट्रेशन के साथ आप सारे वीडियोस देख सकते हो। तो इस मुहिम में आप बिल्कुल हमारा सपोर्ट करें और कमेंट करें अगर आपको ये अच्छा लगता है तो, क्योंकि लगातार मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा। और क्रैश कोर्स वीडियोस हमारे चल रही हैं, क्लास 11th कंप्लीट हो चुका है और आज के इस चैप्टर की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हर साल बनते रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्विक रिविजन सीरीज की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए यहाँ 5 टॉपिक आपको दे रखे हैं। पहले हम फ्लावर के बारे में जिक्र करते हैं। तो आप जानते हैं ना, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही पजेस करते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट की बात की जाती है मॉर्फोलॉजी, इसको पढ़ाते वक्त फ्लावरिंग प्लांट्स को, दैट इज कैप्सिला। कैप्सिला एक स्पोरोफाइट होता है। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती क्या है कि स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है। अब आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। अगर मैं कहूं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सबका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है तो गलत नहीं होगा। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं लगभग सारे डिप्लॉइड होते हैं, अगर स्पोर्स, गैमेट्स और इंडोस्पर्म को छोड़ दें एंजियोस्पर्म के केस में तो। तो आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, गैमेटोफाइट कौन है, स्पोरोफाइट कौन है। प्लांट डायवर्सिटी में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, इसमें सिंपल सी चीजें हैं जो बता रखा है एनसीईआरटी ने। अब फ्लावर के बारे में 2-3 लाइन में बोल रहा हूं। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है, क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आता है थैलमस के बारे में, थैलमस एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। इसके बाद आता है वर्ल्स, ये मॉडिफाइड लीव्स होता है। ये 3 पॉइंट अगर आपके क्लियर हैं तो फ्लावर का आप लगभग जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो आप समझ चुके हैं। तो फ्लावर ही साइट होता है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। कुछ लिटरेचर की लाइनें यहाँ पर दे रखी थी। जो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, हम जानते ही हैं। इसके बाद एक फ्लोरिकल्चर दे रखा है। फ्लोरिकल्चर तो हम जानते ही हैं, कोई भी कल्टीवेशन, ब्रीडिंग या मार्केटिंग फ्लावर का करना, उसके साइंस के स्टडी को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बारी आती है प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात आती है। तो इसमें जनरली जो सिंपल सी बातें हैं, जैसे हम जानते हैं जो एंड्रोइसियम होता है उसके स्टेमन यूनिट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, और गायनोइसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट उसका होता है। तो ये सब सिंपल सी बातें हैं। तो चलिए अब जो टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे एनसीईआरटी का, वो बात करेंगे हम स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में। ये कोई भी टिपिकल, एनसीईआरटी में जो भी वर्ड लिखी हुई है टिपिकल, तो टिपिकल का मतलब समझेंगे जो कॉमन चीजें होती हैं वो यहाँ पर बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेमेन के बारे में जो पॉइंट है। सबसे पहले चीज, कोई भी टिपिकल स्टेमेन होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। ये 2 चीजें मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो एंड्रोइसियम है, ये तो क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात आती है, जैसे डायग्राम एंथर और ये जो पाइप है आपका फिलामेंट, ये दिख रहा है जिसको स्टॉक बोला करते हैं, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा, ये भी क्लियर होगा। डाइथिकस ये स्ट्रक्चर होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट का ये कंडीशन है। तो यही चीज आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। प्रॉक्सिमल एंड किसके साथ अटैच होता है, थैलमस के साथ बिल्कुल। और नंबर और लेंथ जो स्टेमन के होते हैं बिल्कुल वेरिएबल चीजें होती हैं। सेल्विया मस्टर्ड वगैरह में बात कर चुके हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, आप वो पार्ट जाकर देख सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ें तो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंथर जो होता है 4-साइडेड होता है, कहें तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का होता है। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो 2 लोब होते हैं वहां पे ये चीजें मौजूद होती हैं, तभी तो इन्हें बोला जाता है बाइलोब्ड, टेट्रागोनल शेप का ये होता है। इसके बारी आती है फिलामेंट के बारे में, तो सिंपल सा स्टॉक है, वो मैंने आपको बताया थैलमस या पेटल के साथ वो अटैच रहेगा। एक लोब में बायस्पोरेंजिएट का कंडीशन होगा, इतना आप याद रखें, काम चल जाएगा। अब बात आती है माइक्रोस्पोरेंजिया की,
जो कि अगर ट्रांसवर्स सेक्शन उसका देखें तो सर्कुलर होता है बिल्कुल, उसमें ही डेवलप होते हैं पॉलन सेक्स जिनको पॉलन रिंग्स उसके अंदर डेवलप होंगे। यहां तक आप देख चुके हैं। इसके बाद हम एंथर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोई भी माइक्रोस्पोरेंजियम है हम उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उसमें चार लेयर्स मेनली होते हैं। पहला जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, नेक्स्ट है इंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपटम। ये चार लेयर्स इसमें मौजूद होते हैं। जो पहला लेयर है जिनको एपिडर्मिस बोला जा रहा है, ये आउटर वन सेल्ड थिक लेयर होता है, प्रोटेक्शन के ही काम आएगा। मैं कह दूं अगर शुरू के जो तीन हैं एपिडर्मिस, इंडोथेशियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का ही काम करेंगे। बिल्कुल सही। इंडोथेशियम का अगर खास फंक्शन देखें तो लॉन्गिट्यूडनल डिहेशन करवाने के काम आता है एंथर का, फाइबरस टिश्यू से होते हैं। इसके बाद मिडिल लेयर आती है बारी। मिडिल लेयर का काम है फूड को स्टोर कर रखने का, एक से तीन सेल्ड की लगभग होती है ये। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टेप्टम। टेप्टम के काम आपसे पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। टेप्टम क्या है? तो टेप्टम एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड टिश्यू होता है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा पॉलन को, तो इससे एंजाइम्स और हॉर्मोन्स दोनों सिक्रीट होंगे। मल्टीन्यूक्लिएटेड का कंडीशन होगा क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिविजन चल रहा है यहाँ पे, तो ये चीजें आप यहां याद रखेंगे। कोई भी मैच्योर एंथर होते हैं ना तो उनमें जो टेप्टम होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इतना जो भी चीज इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। इसके बाद बारी आती है स्पोरोजिनस टिश्यू की। जो भी यंग एंथर होंगे उनमें स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, मींस कहें तो होमोजिनस सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड नेचर के ये होते हैं। कहां होते हैं ये? तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे मौजूद होंगे। जब इनमें मियोसिस चलेगा, कहें तो मेगास्पोर मदर सेल में या माइक्रोस्पोर, सॉरी यहां माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस चलेगा तो टेट्राइड का कंडीशन होगा। टेट्राइड का नेचर कैसा होता है? हैप्लोइड नेचर का होगा। टेट्राहेड्रल शेप का अगर मोस्ट कॉमन देखें तो डाइकॉट में, यही तो तीन जर्म पोर आगे चलकर बनाएंगे। तो ये आप जान चुके हैं, यहां तक समझ चुके हैं आप। इसके आगे हम बात करेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राइड आपने देख ही लिया। अब ये स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, यहां पर आपको तीन स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। ये जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ए नंबर का, ये ट्रांसवर्स सेक्शन आपको यंग एंथर का दिखा रखा है, और ये चार टिश्यूज आपको दिख रहे हैं, मिडिल लेयर इधर है। इसके बाद आपको एक इनलार्ज व्यू दिया गया है यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम का, इसमें भी आपको चार लेयर यहाँ पे आसानी से दिख सकते हैं। इसके बाद एक मैच्योर जिसमें डिहेशंस हुआ है, मींस फूट चुके हैं, यहाँ पे जो एंथर है वो टूट चुके हैं। आप देख रहे हैं एंथर के अंदर यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स मौजूद। इसके बाद कुछ कुछ चीजें लिख रखी हैं थियोरिटिकल वे में, जो मैंने आपको भी बताया है वही चीजें यहाँ पर साफ तरीके से लिख रखी हैं। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, जो भी एनसीईआरटी की ब्लैक पॉइंट है ना वो से कभी ना छोड़े। वहां पर जो भी चीजें लिखी होती हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती हैं। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तब यहीं से जाकर यहाँ डिहेशंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिहेशंस आप बिल्कुल याद रखेंगे कैसे डिहेशंस चला है। टेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर और भी सेल्स होते हैं ना, आर्कियोस्पोरियल सेल्स हैं, प्राइमरी पैरेटल सेल्स हैं। कोई नहीं पूछने जा रहा आपसे कैसे डेवलपमेंट चल रहा है एंथर का, उसमें ये सब का रोल है, लेकिन एनसीईआरटी ने बिल्कुल मेंशन नहीं किया है। तो आप टेट्राइड का बिल्कुल याद रखेंगे, डाइकॉट में टेट्राहेड्रल शेप का होता है, मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं पॉलन ग्रेन के बारे में आपको कुछ दिखाता हूं। तो ये तो सिंपल सी लाइन है, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, ये 35 एमबी की वीडियो है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सारे लाइन को मैं हाइलाइटर से यूज नहीं कर पाया हूं। आगे आने वाले टाइम पे जो भी वीडियोज की लेंथ अगर कम होगी, जो 10 एमबी के अंदर आते हैं, तो उनमें हाइलाइटर इजी वे में यूज हो जाता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं नहीं कर पाया हूं, इसके लिए बेहद सॉरी। इसके आगे आप कुछ फोटो देखिए, यहाँ पे कितने बेहतरीन कुछ पॉलन ग्रेन के फोटो यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये पॉलन ग्रेन का फोटो रहा आपके सामने। इसके बाद हम कुछ पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जनरली पढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो पॉलन ग्रेन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जनरली ये स्फेरिकल आपको देखने को मिलता है। अगर इसका साइज देखें, डायमीटर जो कि 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक का इसका डायमीटर होता है। इसके दो लेयर्स होते हैं, दो वॉल लेयर्स। जो आउटर लेयर होते हैं जिन्हें एग्जाइन कहा जाता है, बहुत ही थिक, बहुत रिजिड, ऑर्नामेंटेड होते हैं, जिन्हें एग्जाइन कहा जाता है। ये बने हुए किस चीज के हैं? मेनली स्पोरोपोलोनिन के बने हुए हैं। अब स्पोरोपोलोनिन के बारे में खास बातें सुनिएगा जो एग्जाम में पूछी जाती है।
स्पोरोपोलानीन एक हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। चाहे कितनी भी टेम्परेचर दे दो, चाहे कितने भी एसिड इस पे फेंक दो, चाहे कितने भी अल्कलाई का कंडीशन इस पे डाल दो, ये बिल्कुल नहीं टिकेगा, ये बिल्कुल उसके साथ ही टिकेगा। कोई भी एंजाइम इस स्पोरोपोलानीन को आज तक डिग्रेड नहीं कर पाया है। तो मैं कह दूं जो स्पोरोपोलानीन के ही कारण पोलन ग्रेन्स के जो फॉसिल्स होते हैं हमेशा बिल्कुल अच्छे कंडीशन में होते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, तो यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स के ही चलते हम फॉरकास्ट कर सकते हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्सेस को, जैसे पेट्रोलियम, कोल वगैरह को। यहां तक समझ चुके होंगे आप। इसके बाद बारी आती है इंटाइन के बारे में। जर्मपुर का बताऊंगा मैं, जर्मपुर नहीं होते हैं वहां पे, पहले आप सुन लो इसके बारे में, इंटाइन के बारे में। जो इंटाइन होते हैं ना, तो इंटाइन इनर वाल है पॉलन ग्रेन के, ये बिल्कुल थीन होते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, ये बिल्कुल इलास्टिक नेचर के होते हैं। ये बने हुए किस चीज के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पेक्टीन के बने हुए हैं और सेलुलोज के, कहें तो पेक्टोसेलुलोज के बने हुए हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए, अब यहां पर बारी आती है जर्मपोर के बारे में, कुछ सुनिएगा। जर्मपोर देखिए क्या होता है, कुछ जगह है जिनको जर्मपोर कहा जाता है, कुछ जगह है जहां एग्जाइम जो होते हैं बिल्कुल एबसेंट होते हैं, या अगर प्रेजेंट भी है ना तो बिल्कुल थिन लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो ये जर्म पोर होते हैं। तो आपको पता होगा कि जर्म पॉलन ग्रेन का जब जर्मिनेशन हो रहा होता है तो पॉलन ट्यूब के ही फॉर्म में तो आता है वो, तो इंटाइन के थ्रू आएगा वो, तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे आ चुका है। इतना आप समझ चुके होंगे, जो भी मैंने बताने की कोशिश की है आप तक पहुंच चुका होगा। इसके बाद अब दो सेल्स की बारी आती है, एक तो वेजिटेटिव सेल के बारे में और एक जनरेटिव सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप मेजर पार्ट जो देख रहे हैं वो वेजिटेटिव सेल का है और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरेटिव सेल। फीचर्स देख लें जरा, जो वेजिटेटिव फेज होंगे बताओ बड़ा कौन है, तो वेजिटेटिव बड़ा है, इसके बाद जनरेटिव है, ठीक है, क्लियर है। लार्ज न्यूक्लियस आपको किसमें मिल रहा है, बिल्कुल वेजिटेटिव सेल में ही मिलेगा लार्ज न्यूक्लियस। इसके बाद तो स्मॉल न्यूक्लियस की अगर बात करें हम, तो स्मॉल न्यूक्लियस किसमें आएगा ये बता दो आप। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो दो तरह के सेल आपको दिख रहे हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल दिख रहा है और एक जनरेटिव सेल दिख रहा है। एक वेजिटेटिव सेल है जो आगे चलकर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और एक जनरेटिव है जो कि आगे चलकर जो साइटोप्लाज्म वगैरह है वेजिटेटिव सेल के उसमें ये आकर फ्लो करेगा। तो आपको सब कुछ मैंने यहाँ पर बता रखा है। अब देखिए, एक केस पूछा जाता है कि जो ज्यादातर केस है 60% एंजियोस्पर्म के, तो उसमें कैसा स्टेज मिलेगा, तो उसमें टू सेल्ड स्टेज देखने को मिलेगा। इसके आगे जो रिमेनिंग होंगी वो थ्री सेल्ड स्टेज में, तो सेडिंग में बिल्कुल इसी तरह होती है। थ्री सेल्ड स्टेज में एक आपको वेजिटेटिव सेल रहेगा देखने को लगभग मिलता है, और एक जो रहेगा वो मैच्योर लगभग मिलेगा सेल्स। तो ये आप समझ चुके हैं, जो मेल गैमेट्स रहेगा दो लगभग मेल गैमेट्स, तो ये आप समझ चुके हैं आज तक। जेनरेटिव सेल से माइटोसिस होगा तो दो मेल गैमेट्स आकर फॉर्म करेंगे। जो भी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता रखा है। अब कुछ फैक्ट हैं पॉलन ग्रेन से रिलेटेड, वो सुनिएगा जरा। जैसे एक पहला चीज, सबसे पहले जो खास बात होती है पॉलन ग्रेन से रिलेटेड वो क्या होता है कि एलर्जी काउज करता है, जिसको बोलते हैं एरो एलर्जेंस बोलते हैं, तो वो यहाँ पे बता रखा है। कुछ ब्रोंकियल प्रॉब्लम होती है इसके कारण एलर्जी काउज करता है, इसलिए इनको एरो एलर्जेंस बोलते हैं। कुछ लोगों को एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम काउज करने का काम करता है। आपने नाम सुना होगा जैसे कैरोट ग्रास, सेनोपोडियम वगैरह जो रहे हैं, तो ये सब एरो एलर्जेंस के तौर पे कहे जाते हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम काउज करता है। जैसे एक पार्थेनियम है, कैरोट ग्रास जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही यूबिक्यूसियस इक्वरेंस है, अक्रेंस है, मीन्स कहें तो बहुत ज्यादा इसका घातक प्रभाव है, बहुत ज्यादा फैल चुका है ये, तो ये वीट का लगभग होता है जो, तो काफी इनका प्रॉब्लम होता है, एरो एलर्जेंस के तौर पर ये काम करते हैं, तो ये पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। इसके आगे पॉलन ग्रेन की कुछ खास फीचर यहां बता रखे हैं। न्यूट्रिएंट्स काफी अच्छा होता है, पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप्स बनाए जाते हैं, फूड करते हैं, पॉलन कंजप्शन भी जो है रेस हॉर्सेस के परफॉर्मेंस के लिए काफी बढ़ावा दिया जाता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो वहां जब चेकिंग वगैरह होती है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद हम आगे दिख रहे हैं, आप यहाँ पॉलन टैबलेट्स कुछ दे रखे हैं, पॉलन प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। अब इसके बाद कुछ वायबिलिटी की बात करते हैं कि वायबिलिटी क्या रहा है किसी भी पॉलन ग्रेन का, तो वायबिलिटी चलिए देखते हैं। तो जैसे वायबिलिटी को टेस्ट कैसे किया जाता है, तो ये है टीटीसी होता है, तो टीटीसी से क्या करते हैं, केमिकल को हम वो होता है उससे हम टेस्ट करते हैं। अब इसमें सब जगह की जो वायबिलिटी पॉलन ग्रेन का बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे अगर कुछ सीरियल प्लांट्स की बात करें, जैसे राइस की बात करें या वीट की बात करें, तो वो दोनों में, जैसे राइस के केस में और वीट के केस में,
जो वायबिलिटी है वो लगभग 30 मिनट तक की वायबिलिटी पॉलन ग्रेन की होती है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम कुछ रोजेसी की बात करें, लेगुमिनेसी की और सोलेनेसी की, तो उनकी वायबिलिटी लगभग 4 महीने तक रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो पीरियड है वैलिडिटी का कुछ पॉलन ग्रेन्स के लिए वो हाईली वेरिएबल है, ये डिपेंड किस पे करेगा, वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां का ह्यूमिडिटी क्या है, ये इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसके बाद जैसे पॉलन बैंक्स होते हैं, जहां पे कि हम पॉलन ग्रेन को लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज जो है उनके, हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे हम उनको आगे फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये पॉलन बैंक्स के रूप में काम लिया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखिएगा आप इसे। इसके बाद हम बढ़ चुके हैं यहाँ पे पिस्टिल के बारे में, मतलब हम बात कर रहे थे वहां स्टेमिन के बारे में, तो यहाँ आ चुके हैं हम पिस्टिल के बारे में, मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, गाइनोइशियम की बात चल रही है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, अगर इसका यूनिट देखें तो पिस्टिल या कार्पेल होता है, यहाँ यूनिट भी हम देख चुके हैं। अब ओव्यूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ओव्यूल को टेक्निकल टर्म क्या देंगे हम, तो मेगा अस्पोरेंजियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद हम ये मोनोकार्पेलरी जो है या मल्टीकार्पेलरी का जो कंडीशन हम देखते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सिनकार्पस और एपोकार्पस भी पढ़ चुके हैं। आपको मैं एपोकार्पस याद दिला दूं, जो फ्री कार्पेल्स होते हैं, और जो सिनकार्पस होते हैं फ्यूज कार्पेल्स होते हैं। रोज लोटस माइकेलिया एपोकार्पस का है और सिनकार्पस का पेपेवर है और हिबिस्कस है, बस इतना काफी है आपके लिए, इतना। इसके बाद मेन पार्ट अगर पूछा जाए तो मेन पार्ट इसका क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओपनिंग आपसे पूछा जाएगा ओव्यूल का क्या होता है, तो माइक्रोपाइल होता है, और मेन पार्ट अगर पूछा जाए तो न्यूसेलस होता है। ओव्यूल क्या है, एक रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेटेड मेगास्पोरेंजियम को। आपसे पूछा जाए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो जो जनरली एमएमसी जो होते हैं मेगास्पोर मदर सेल, उनसे फॉर्मेशन जो होता है मेगास्पोर्स का मियोसिस के थ्रू, तो इसको ही मेगास्पोरोजेनेसिस है। ये पार्ट आप समझ चुके हैं यहाँ पे, इसके आगे हम बात करेंगे। ये आप देख ही रहे हैं ओवेरियन कैविटी वगैरह, प्लेसेंटा वगैरह। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको जो पहला ये डायग्राम है इसमें बता रखा है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बारे में बता रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट कोई हिबिस्कस है प्लांट, हिबिस्कस रोजाजिनेसिस, नाम सुना ही होगा आपने चाइना रोज के बारे में, तो इसमें दिखा रखा है आपको पिस्टिल दिखा रखा है। ये जो बी नंबर का डायग्राम है इसमें मल्टीकार्पेलरी कंडीशन है, सिनकार्पस पेपेवर का आपको फोटो दिखा रखा है। ये जो सी कंडीशन है इसमें आपको एपोकार्पस कंडीशन दिखा रखा है मल्टीकार्पेलरी का, जिसमें माइकेलिया चंपा जो होता है उसके बारे में बता रखा है। और ये आपको एक एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बता रखा है। एनाट्रोपस ओव्यूल इंपॉर्टेंट होता है, जनरली 80% जो फैमिलीज होती हैं अगर कैप्सुला को छोड़ दें तो जनरली 180 डिग्री पे ये आती हैं। अब इसके बारे में कुछ जो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर ओव्यूल के बारे में पूछा जाए तो ओव्यूल से रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती हैं बार बार एग्जाम में, हम उसकी बात पहले करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं हाइलम के बारे में। तो जो हाइलम आपको दिख रहा है, जो हरेक ओव्यूल होता है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो हरेक ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है एक थीन स्टॉक के थ्रू, उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूनिकल आप याद रखिएगा। इसके बाद हाइलम की बात हम करें, हाइलम क्या होता है, सीड कोट आप देख रहे हैं, सीड कोट पे का स्कार होता है, एक धब्बा टाइप का होता है, जिससे जो डेवलपिंग सीड्स वगैरह होते हैं वो फ्रूट से अटैच होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल आप याद रख, सॉरी उसको हाइलम बोला जाता है, फ्यूनिकल तो मैंने आपको बता रखा। अब इसके बाद बारी आती है माइक्रोपाइल के बारे में। माइक्रोपाइल क्या होता है, जब हम हाइलम के ऊपर जाते हैं एक छोटा सा पोर मिलता है जहां इंटीग्रुमेंट एब्सेंट होते हैं, अगर कहें तो जस्ट अपोजिट होता है चैलेजल एंड के, तो इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइलर पोल आपको नजर आ ही रहा है, आउटर इंटीग्रुमेंट एक कवरिंग देख ही रहे हैं। इसके बाद न्यूशेलस, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, पैरेन्काइमेटस सेल होता है, जिनमें लगभग बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है, इनको न्यूशेलस बोलते हैं। अलास्ट में एम्ब्रियो सैक तो आप जानते ही हो। तो जो भी बेसिक बातें यहाँ थ्योरी में लिखी है मैंने आपको बता रखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जरूर। अगर नंबर ऑफ ओव्यूल बेसिस पे अगर एक है, पैडी है, मैंगो वगैरह है, इनमें लगभग एक आता है। इसके बाद सारे अगर है तो पपाया वगैरह के केस में अगर देखें बहुत सारा आता है, वाटरमेलन ऑर्किड्स वगैरह। इसके आगे हम देखें ये पार्ट के आगे
तो कुछ टर्म्स हैं जैसे फ्यूनिकल, हाइलम, इंट्यूगमेंट, माइक्रोपाइल, चैलेजा, न्यूसिलस, इस सब मैंने आपको बता रखा है। अब इसके बाद बारी आती है मेगा अस्पोरोजिनेसिस के बारे में, ये भी काफी टर्म इंपॉर्टेंट होता है। मेगा अस्पोरोजिनेसिस क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है मेगा अस्पोरोजिनेसिस मीन्स मेगा स्पोर जो होंगे उनका यहाँ पे फॉर्मेशन होना है। तो किससे होगा? तो एमएमसी से होगा, मेगा स्पोर मदर सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। न्यूसिलस आप जानते ही हैं वो प्लेसेंटा से बिल्कुल डेवलप होगा, एक लगभग आउटग्रोथ टाइप का वहां पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे हम बात कर चुके हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस के बारे में। अब मेगा स्पोरोजिनेसिस के बारे में कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। मेगा स्पोरोजिनेसिस तो देखिए कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो न्यूसेलस है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होता है वो डिफरेंशिएट करेगा तो आगे जाकर एमएमसी बनाएगा। एमएमसी में मियोसिस होगा तो चार मेगास्पोर बनेंगे। उसमें से जो फर्स्ट सेल होता है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, हैप्लोइड नेचर का होगा, टेट्राइड होता है 4 मेगास्पोर। उनमें से ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है, 3 मेगास्पोर जो होंगे वो डिजेनरेट कर जाएंगे बिल्कुल, जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे और उनमें से एक जो बचेगा वो फंक्शनल होगा जो कि चैलेजल एंड पे वो मौजूद रहेगा। इसके बाद हम डेवलपमेंट कुछ देखें, इम्ब्रियो सैक का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ये सब देखिए आप कुछ बातें यहाँ पर बता रखी हैं, जो डायग्राम आप देख सकते हैं वो आप क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज देखें, वहां भी मैंने ये सब आपको बता रखे हैं। ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेटर स्टेज का ये कंडीशन है। 7 सेल आपको दिख रहा है यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 होते हैं, एक अपरेटस जोड़ दें तो 2 सिनर्जिड्स और एक सेल यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर कितने मिल गए आपको? 3 मिल गए। बीच में जो लार्ज सेंट्रल सेल यहाँ पे मौजूद होता है उनमें एक होगा, 2 पोलर न्यूक्लिया उसमें मौजूद होता है, और बाकी चैलेजल एंड पे आपको 3 एंटीपोडल सेल मिलेंगे। तो टोटल आपको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेटर स्टेज का कंडीशन हो गया। अगर मेजोरिटी बात करें तो रिडक्शन डिवीजन जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल में ही होता है, और पॉलन ग्रेन और इम्ब्रियो सैक हमेशा लगभग नॉन मोटाइल ही होते हैं। तो ये जो भी बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो है ना तो उनमें 3 माइटोसिस लगभग चलते हैं डिवीजन, तब जाकर इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटर स्टेज तो आप याद ही रखना, इनको पॉलीगोनल टाइप ऑफ इम्ब्रियो सैक भी बोला जाता है। ये सब कुछ जो आपको बता रखा है यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन, ठीक है, तो पॉलिनेशन तो आप जानते हो कि पॉलिनेशन एक सिंपल सी चीज होती है, जो भी कोई भी डिफरेंट फ्लावर की कंडीशन में या सेम फ्लावर की कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं तो जो भी पॉलन ग्रेन है उनका अस्टिग्मा पे ट्रांसफर होना सेम या डिफरेंट फ्लावर के सेम ही स्पेसिस पे, इसको पॉलिनेशन बोला जाता है। पॉलिनेशन बहुत ही सिंपल चीज है। तो इसके आगे अगर हम कुछ काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन देखें तो जनरली पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन तो ऑटोगैमी होते हैं, इसके बाद गिटेनोगैमी देखेंगे, जीनोगैमी देखेंगे, जिनको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। सबसे पहले बारी आती है ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है ऑटोगैमी है मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन होता होगा। तो इसमें पॉलिनेशन जो होगा सेम फ्लावर के अंदर ही होता है। जैसे एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा वायोला है, ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना वगैरह है, तो इसके एग्जांपल है सेल्फ पॉलिनेशन को बोला जाता है, सेम फ्लावर में ये चलते हैं। इसके बाद बारी आती है कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस के बारे में, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा ये गिटेनोगैमी, जैसे ऑटोगैमी तो आपका क्लियर हो गया, इसके बाद हम गिटेनोगैमी की बात करेंगे, उसके पहले कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस की हम बात कर रहे हैं। कैस्मोगैमस जो होता है तो इसमें जो फ्लावर्स होंगे बिल्कुल एक्सपोज्ड होते हैं, और वहीं क्लिस्टोगैमी में देखें तो वहीं बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं। तो जो क्लिस्टोगैमी होंगे तो बोलते 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ होते हैं, कोई पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, यही तो सबसे खास बात होती है इसकी। नेक्स्ट बात आते हैं कैस्मोगैमस के बारे में, एक्सपोज्ड होंगे तो बिल्कुल क्रॉस पॉलिनेशन करवा दो। अब फ्लोरल बर्ड है तो इनका ओपनिंग होगा इसमें फ्लावर के फॉर्म में, तो ये होती है कैस्मोगैमी के बारे में। एग्जांपल मैंने आपको बता रखे हैं जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑटोगैमी के बारे में, ठीक है। इसके बाद आप देखिए गिटेनोगैमी के बारे में, गिटेनोगैमी इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट फ्लावर होंगे सेम प्लांट के, उनमें ये चलेगा पॉलिनेशन। इनमें जेनेटिकली अगर देखें हम तो सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा होता है, इकोलॉजिकली या फंक्शनली अगर हम देखते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन चल रहा होता है। एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट हम जीनोगैमी की बात करते हैं जिसको क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी बोला जाता है। इसमें पॉलिनेशन 2 डिफरेंट फ्लावर के 2 डिफरेंट प्लांट पे होता है, जेनेटिकली और इकोलॉजिकली बिल्कुल क्रॉस पॉलिनेशन ये होता है। अब हम कुछ एजेंट्स की बात करते हैं, वैसे एजेंट्स जिनसे पॉलिनेशन हो पाता है
हम इनको बोलते हैं एजेंट्स। वो एनिमोफिली भी हो सकते हैं, हाइड्रोफिली भी हो सकते हैं, पानी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ देख रहे हैं हम यहाँ पे जो जानवर वगैरह होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से एजेंट हैं। तो टू एबायोटिक एजेंट हैं जनरली, विंड और वाटर, ठीक है, मेनली यही होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए बायोटिक एजेंट, उनमें एनिमल आ जाएंगे, इंसेक्ट, बर्ड, बैट, एंट, स्नेल, स्नेक, कुछ भी, बहुत सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो होंगे वो बायोटिक एजेंट को ही यूज करते हैं, वाटर तो बहुत कम, क्योंकि वाटर टेरिडोफाइटा तक ही जरूरी था, ऐसे तो करते हैं लेकिन बहुत कम ही चीज करते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे, ये अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो पॉलिनेशन होता है विंड के द्वारा वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जिनको एनेमोफिली भी बोला जाता है। पॉलन ग्रेन्स जो यहाँ होते हैं बिल्कुल लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी यहाँ पे होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं विंड करंट्स के थ्रू ही, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन होते हैं इनके और इजिली डिस्पर्स हो जाते हैं ये विंड करंट के अंदर। तो जनरली इसमें फेदरी स्टिग्मा होता है, इनके चलते ट्रैप कर जाते हैं जो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं। तो सिंपल सही है, तो आप जानते ही होंगे। तो विंड पॉलिनेशन जो है जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन किस में है, तो ये ग्रासेस के केस में बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है, 30 जनरा तक। वाटर वाले लिमिटेड होते हैं, मीन हाइड्रोफिली की अगर बात करें तो बिल्कुल 30 जनरा तक मेनली उसमें मोनोकॉट्स वगैरह ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए, जो भी कुछ अगर ब्रायोफाइट्स का अगर एग्जाम्पल लें या टेरिडोफाइट्स का, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों है, क्योंकि वाटर पर डिपेंडेंसी बनी हुई है मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए। तो ये बात हम कर चुके हैं प्लांट डाइवर्सिटी में। और भी एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एक वेलिस्नेरिया का केस देख रहे हैं और एक हाइड्रिला का केस देख रहे हैं। तो ये सब जनरली जो होते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स ही होते हैं, और कुछ सी ग्रासेस, जॉस्टेरा वगैरह, ठीक है। तो ये बात हम कर चुके हैं। तो ये सिंपल सी चीजें यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता रखा है कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन है ग्रासेस में, और अगर एनेमोफिली का अगर हम केस देखें तो अगर मेज हो गया, सुगर केन, बंबू, कोकोनट, कैनबिस, ग्रासेस, पाम, पपाया, मलबेरी वगैरह, ये सब एग्जाम्पल है एनेमोफिली के। आपसे हाइड्रोफिली की एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप बताना वेलिस्नेरिया हो गया, जॉस्टेरा वगैरह हो गया, या हाइड्रिला वगैरह इसके एग्जाम्पल है। चलिए तो इसके आगे हम देखते हैं। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ही इसमें, और आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो कुछ और भी हैं एजेंट जो कि पॉलिनेशन करवाने के काम आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। कुछ बायोटिक एजेंट्स हैं जैसे यहाँ पे कुछ बीज वगैरह हो गई, जो मधुमक्खियां होती हैं वो जनरली डोमिनेंट्स होती हैं, वो बायोटिक पॉलिनेटर एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेमर्स, ट्री ड्वेलिंग, गेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड वगैरह हैं। इसके आगे हम और भी बात करें तो कुछ इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं जिनको एंटेमोफिली बोला जाता है। तो इंसेक्ट हैं तो बताओ, लार्ज होगा, बिल्कुल फ्लावर, कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंट होगा, नेक्टर भरे हुए होंगे, स्टिकी जरूर होगा, ठीक है। तो इसमें अवार्ड दिए जाते हैं इंसेक्ट को, नेक्टर है, पॉलन ग्रेन्स वगैरह हैं, तो ये सब यूजुअल फ्लोरल अवार्ड्स होते हैं। कुछ होते हैं ना जैसे एमोर्फोफाइलस वगैरह, तो कुछ सेफ प्लेस देखते हैं अपने अंडे को देने के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि आप देख चुके हैं एमोर्फोफाइलस जो होता है वो लगभग 6 फीट का होता है हाइट में। इसके बाद जो आपसे पूछा गया AFMT 2016 में जो पूछा गया, वो चीज आप देखिएगा यहाँ पे। देखिए कुछ जनरली मेनी इंसेक्ट जो होते हैं पॉलन को तो कंज्यूम कर लेते हैं और नेक्टर को, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवा पाते, तो इसको बोला जाता है पॉलन रॉबर्स होते हैं, या इनको नेक्टर रॉबर्स भी बोला जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। जो सिंपल सा ये पैराग्राफ है पूरा का पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स लगता होगा आपको, मैं एक सिंपल सा बात आपको बता दूं। जो एडेप्टेशन है जनरली ये जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वगैरह होती हैं क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए है। तो क्रॉस पोलिनेशन कब होगा, जब यूनिसेक्सुअलिटी का केस होगा, पहली चीज तो ये होती है कि यूनिसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो मैं कंफर्म कर दूंगा कि हाँ ये क्रॉस पोलिनेशन तो कराएंगे ही कराएंगे। सेल्फ पोलिनेशन कभी भी फ्लावर में नहीं होगा, जैसे मैं बात करूं डेट पाम हो गया, पपाया वगैरह हो गया, तो इनमें कभी नहीं होता है। दूसरी कंडीशन यूनिसेक्सुअलिटी के बाद डाइकोगैमी की, इसमें क्या होगा कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे ना कोई भी प्लांट के, तो उनमें स्टेमेन और कार्पेल्स जो होगा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होने चाहिए, इस कंडीशन को डाइकोगैमी बोलते हैं। ये सब चीजें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में। तो जो प्लांट्स होंगे तो उनमें जब पॉलन रिलीज होगा तो स्टिग्मा के पास, तो रिसेप्टिविटी जो होगी वो सिंक्रोनाइज नहीं होगी, तो इसमें पॉलन चाहे पहले हो जाएगा या स्टिग्मा चाहे पहले हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, जैसे प्रोटोएंड्री का कंडीशन आता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फ्लावर का जो एंथर है वो पहले मैच्योर कर जाएगा कार्पेल से, तो इसको बोलते हैं क्या प्रोटोएंड्री का कंडीशन है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में ऐसे केसेस देखे गए हैं। इसके बाद प्रोटोगाइनी की, तो
तो इसमें क्या होगा, कोई भी फ्लावर का जो कार्पेल होगा वो पहले मैच्योर कर जाएगा स्टेमन से, दैट इज प्रोटोगाइनी। आप देखते हो बनियान पीपल फिग वगैरह में, तो ये चीजें ऐसी इसमें होती है। और लास्ट कंडीशन है चैस्मोगैमी, अगर आप करवा दो कैस्मोगैमी, तो इनमें क्या होता है ब्लूमिंग हमेशा होता रह रहा है, फ्लोरल बड खुला हुआ है, तो इसमें क्लिस्टोगैमस का तो कंडीशन है नहीं, तो ऐसे केसेस को कैस्मोगैमी एंथेसिस हम बोलते हैं। इसके बाद हमारी आती है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में। तो ये कैसे होता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, तो सिंपल सा चीज है, कोई भी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ उसमें बोरोन की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए। टेम्परेचर जो है लगभग 20-30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसमें टेम्परेचर काफी खास हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन वगैरह इसमें हो जाएगा, फिर पॉलन ट्यूब का ओविल में एंट्री हो जाता है जिसको पोरोगैमी बोलते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ पे आप कुछ डायग्राम में दिखा रखा है, ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जरा गौर कीजिएगा इस पे। इसके बाद जो चीजें हर बार पूछी जाती है एग्जाम में वो एंट्री कहाँ से हो रही है, यही चीज आपको पूरे पैराग्राफ में लगभग मिलेगी। तो जो पॉलन ट्यूब है तो उसका एंट्री ओव्यूल में हुआ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल, और ओव्यूल जब सिनर्जिड सेल्स में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, यही गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब के एंट्री को, काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैंने आपको बता रखा है, इसके आगे ये फिलीफॉर्म एपरेटस वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। अब बारी आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो जनरली सुपीरियर वेराइटी के अगर हमें बनाने हैं प्लांट तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे यूज किया जाता रहा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसको। इमेस्कुलेशन और बैगिंग आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ही इनका यूज किया जाता है। अगर कोई भी फीमेल पेरेंट है जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करती है तो वहां पर इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वही यहाँ पे साफ लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो डबल फर्टिलाइजेशन तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो डबल फर्टिलाइजेशन सिंपल सा, जब सब कुछ हो चुका है तो उसके बाद जो लास्ट का जो कंडीशन है ये डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर में आता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन सिंपल सा दो चीज है, ट्रिपल फ्यूजन होना और सिंगेमी होना, तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर चल रहा है ट्रिपल फ्यूजन चल रहा है, दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो कैसे होता है, तो सिंपल सी चीजें हैं, बोला जा रहा है तो इंडोस्पर्म का केस आप क्या समझते हो, तो कोई भी इंडोस्पर्म जब होगा इंडोस्पर्मिक का केस होगा तो उसमें जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, कहें तो एल्बुमिनस बोलते हैं उसको, इंडोस्पर्म में फूड मौजूद होगा अगर इंडोस्पर्मिक है तो, अगर नॉन इंडोस्पर्मिक है तो कॉटिलेडन में फूड होगा या नॉन एल्बुमिनस बोले। इंडोस्पर्मिक जो है ज्यादातर मोनोकॉट्स के केस रहे हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकॉट्स के, एक्सेप्शन है कैस्टर इंडोस्पर्मिक होते हैं और ऑर्किड नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे चैप्टर थोड़ा ज्यादा लंबा होता जा रहा है इसलिए थोड़ा इसको जल्दी ही करेंगे। इसके बाद ये आप कुछ एम्ब्रियो के पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ग्लोबुलर शेप का, हार्ट शेप का, मैच्योर एम्ब्रियो वगैरह यहाँ होता है मौजूद। अच्छा एक चीज और बच्चों बोलते हैं कि इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि डिटेल का ये है ही नहीं, एनसीईआरटी को बिल्कुल क्विक वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर प्लूमल होता है, रेडिकल होता है, एपिकुटाइल, हाइपोकुटाइल, ये सब तो आप जानते ही हो डायग्राम से देखोगे, तो ये चीजें कर चुके हैं। उसके बाद पोलराइजा होता है तो आप जानते ही हो, यहाँ रेडिकल और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लूमल वगैरह का केस यहाँ पे लेगा। इसके बाद हमारी सीड के बारे में देख चुके हैं, नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस के बारे में। अब बारी आती है पेरियोस्पर्म के बारे में। पेरियोस्पर्म क्या होते हैं, परसिस्टेंट न्यूसेलस होते हैं, जो मेन पार्ट होता है व्हील का न्यूसेलस वही होते हैं, कहें तो रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, एग्जांपल रहे हैं ब्लैक पीपर और बीट, काफी इंपॉर्टेंट है, और कैस्टर वगैरह भी होते हैं ये याद रखिएगा। इसके बाद बारी आती है डोरमेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। जो डोरमेंसी होता है, डोरमेंसी का केस कुछ फैक्टर्स हैं जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट। तो देखिए कोई भी सीड मैच्योर कर रहा है तो लगभग 10-15% जो मास होता है रिलेटिवली ड्राई होता है डोरमेंसी के कंडीशन। अब ये पेरिकार्प वगैरह आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसके बाद फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट, इसके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी आप देख चुके हैं। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, कुछ सीड्स हैं उनके स्ट्रक्चर है नीचे में दिखा रखे हैं, स्ट्रॉबेरी के जो फॉल्स फ्रूट हैं उन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जांपल बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल पूछा जाता रहा है,
तो ये आप देखिएगा एग्जांपल पे गौर कीजिएगा कि आगे जो सीड लाइब्रेरी के तौर पे चर्चा की जाती है कि कौन सा सीड है कितने दिन तक प्रेजेंट पे रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सीड वायबिलिटी का केस। तो सीड वायबिलिटी अगर जनरली हम अगर केस देखें तो 10,000 डॉर्मेंसी रहती है 10,000 साल। जैसे ल्यूपाइन की अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 साल इनकी रहती है। डेट पम्प की वहीं बात करें तो लगभग 2,000 साल रहते हैं। वहीं फिनिक्स डेक्टिलिफेरा बोलते हैं इसको। कुछ नंबर्स अगर हम बात करें ऑर्किड फ्रूट वगैरह की तो 1,000 टीनी सीड्स वगैरह होते हैं और बैंक्स्ट्रिया पैरासिटिक स्पेसिस जिनमें बहुत सारे सीड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस के बारे में और पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप समझे दोनों को अच्छे से क्या होता है ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं एपोमिक्सिस में और पॉली एम्ब्रियोनी में। सबसे पहले बात करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्स विदाउट मिक्सिस मींस मिक्सिंग। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही किसी चीज का फॉर्मेशन हो जा रहा है बिना मिक्सिंग के ही, तो इसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जनरली जो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री है तो आज इनका ही यूज कर रहे हैं, एपोमिक्सिस का ही यूज काफी अच्छा इनका हो रहा है। तो इसके बारे में और भी जो बातें हैं वो हम समझें। एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा तो एस्टेरेसी है एग्जांपल और इसका एग्जांपल ग्रासेस वगैरह इसके काफी अच्छे एग्जांपल रहे। तो एपोमिक्सिस आपको समझ में आ गया बिना फर्टिलाइजेशन के ही होगा। ये तो फॉर्म जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये फॉर्म जनरली होता है और ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और भी कुछ अगर एग्जांपल देखें एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी जिनको बोला जाता है तो इनके एग्जांपल रहे हैं सिट्रस और मैंगो, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूशेलस से ही डिराइव्ड होते हैं। इसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी को किस नाम से पता चल रहा है, एक एम्ब्रियो में एक सीड में लगभग एक एम्ब्रियो से ज्यादा होना, इनको पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। लिवेनहॉक ने सबसे पहली बार डिस्कवरी की थी ऑरेंज सीड्स में, कॉमनली आपको जिम्नोस्पर्म में ऑरेंज में लेमन में निकोटियाना वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये बातें थी पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। तो इसे बता रखा है फार्मर्स इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज जो ये चैप्टर था ये हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को लास्ट देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।